इंदौर के यूट्यूबर ओ इंदौरी को रेप केस में जमानत। तलाकशुदा पीड़िता का उम्र में बड़ा होना। 2021 में दर्ज कराए केस में समझौता बना आधार। नमस्कार, मैं श्वेता आपका द खबरदार न्यूज में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। इंदौर के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रॉबिन जिंदल उर्फ ओ इंदौरी को दुष्कर्म केस में 2 दिन पहले हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। करीब 1 माह पहले दर्ज हुए रेप के केस में पुलिस ने रॉबिन पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। वो फरार चल रहा था। रॉबिन के वकील ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था। वकील ने पीड़ित महिला द्वारा दर्ज कराए गए केस को लेकर कई तर्क दिए, जिन्हें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने रॉबिन को जमानत मंजूर कर दी। बता दें कि रॉबिन के इंस्टाग्राम पर 7.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं, इसके साथ ही यूट्यूब पर 8 मिलियन फॉलोअर्स हैं। हाईकोर्ट एडवोकेट राजीव रघुवंशी ने इंदौर हाईकोर्ट में रॉबिन के पक्ष में तर्क देते हुए कहा कि रॉबिन के खिलाफ जिस महिला ने एफआईआर दर्ज कराई है वह पहले से तलाकशुदा है। इसके साथ ही वह रॉबिन से उम्र में 6 साल बड़ी है। इसके चलते पीड़िता से जबरदस्ती संबंध बनाने की बात साबित नहीं होती है। वकील ने कहा कि रॉबिन और पीड़िता की पहचान पड़ोसी होने के नाते हुई है। दोनों के बीच दोस्ती रही जो प्रेम संबंध में बदल गई, लेकिन इसी बीच उनके पक्षकार ने शादी को लेकर कभी बात नहीं की, जबकि दोनों के बीच दोस्ती 2021 में थी और जो 2023 में खत्म भी हो गई थी। पीड़िता ने रॉबिन को 2021 में ब्लैकमेल करते हुए रुपए की मांग की थी। रॉबिन ने इस मामले में 2021 में ही पुलिस के वरिष्ठ अफसरों को शिकायत की थी। इसके बाद पीड़िता ने भी रॉबिन के खिलाफ शिकायत की थी। बाद में दोनों पक्षों का थाने में समझौता कराया गया था। वकील ने कहा कि रॉबिन की जब दिसंबर 2023 में उसके साथ यूट्यूब पर वीडियो बनाने वाली साथी से सगाई हुई थी तो पीड़िता ने फिर से दबाव बनाने के लिए शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस ने आनन फानन में पुरानी शिकायतों को दरकिनार करते हुए केस दर्ज कर लिया। रॉबिन को लेकर वकील ने कोर्ट में कहा है कि वह लोगों के बीच काफी फेमस हैं, उसे कई लोग पसंद करते हैं, उसकी बड़ी संख्या में फॉलोअर्स भी हैं, उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। इसके साथ ही रघुवंशी ने हाई कोर्ट में ही पूर्व के कई जजमेंट का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे कई मामलों में आरोपी पक्ष को अग्रिम जमानत मिलती है। इससे सहमत होकर हाईकोर्ट ने रॉबिन को जमानत दे दी। बता दें कि करीब 1 माह पहले 35 साल की तलाकशुदा महिला ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रॉबिन जिंदल के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया था। इसके बाद से रॉबिन को MIG पुलिस ढूंढ रही थी। DCP अभिषेक आनंद ने 5,000 का इनाम भी रॉबिन पर रखा था, लेकिन इसके बाद भी पुलिसकर्मी उसे ढूंढ नहीं पाए। इसी बीच जमानत मिल गई। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।